ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। आज दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था और ये दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट था। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड पर 263 रन पहले ही लगा चुका था, अब बारी टीम इंडिया की थी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि टीम इंडिया ने किस तरीके से अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी की। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरे दिन की शुरुआत में रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर उतरे। कल के दिन में 9 ओवर फेंक चुके थे, 10वें ओवर से आज के दिन का आगाज हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर कुछ समय बिताया लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिल गई। केएल राहुल 41 गेंदों में मात्र 17 रन बनाकर एक बार फिर से फ्लॉप हुए और आउट होकर पवेलियन चलते बने। उम्मीदें अपना 100वां टेस्ट खेल रहे चेतेश्वर पुजारा से थी। रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद थे और उनका बखूबी साथ देने के लिए अपना 100वां टेस्ट खेल रहे चेतेश्वर पुजारा आए। इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि एक अच्छी साझेदारी दिखेगी लेकिन अपने अगले ही ओवर में निथिन लाइन ने रोहित शर्मा को भी चलता कर दिया। इसके साथ ही भारत को 53 रन पर दूसरा झटका लगा। एक गेंद हुई ही थी लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा ने 7 गेंदें खेली लेकिन रन बनाए 0। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में विराट कोहली क्रीज पर आए थे। विराट कोहली का दिल्ली होम ग्राउंड है, विराट कोहली से इस पारी में अच्छे स्कोर की उम्मीद थी। 84 गेंदे विराट कोहली खेल चुके थे, हर किसी को ये पारी बहुत बड़ी होगी इस बात की उम्मीद थी लेकिन खुन मैन की एक गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट गंवा बैठे। विराट कोहली 44 रन बनाकर LBW आउट हुए। हालांकि इस डिसीजन को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई। विराट कोहली के विकेट के पहले 3 विकेट और गिरे थे। श्रेयस अय्यर मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रविंद्र जडेजा ने थोड़ी मजबूती दिखाई और 26 रन के स्कोर तक पहुंचे। हालांकि टॉड बर्फी की गेंद पर वो भी LBW आउट हो गए। इसके साथ ही 135 रन तक भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका। अब इस समय पिच पर मौजूद थी श्रीकर भरत और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी। हालांकि विराट कोहली के विकेट के बाद अगले ही ओवर में KS भरत भी अपना विकेट गंवा बैठे और KS भरत 12 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की छाती तंग गई थी। उन्हें लग रहा था कि टीम इंडिया को अब जल्द ही आउट कर लेगी और पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया बढ़त हासिल कर लेगी लेकिन रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने जो कमाल किया उसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को नहीं थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 177 गेंदें खेली और 114 रनों की साझेदारी की। 39 रन पर 7 विकेट गिर जाने के बाद में हर किसी को लग रहा था कि टीम इंडिया 200 रन भी नहीं बना पाएगी लेकिन इस जोड़ी की बदौलत टीम इंडिया 250 से पार पहुंच गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने नई गेंद लेने का फैसला किया। कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी अटैक कर आए और आते ही अपने ओवर में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन ने कुल 71 गेंदें खेली और इसमें 37 रन बनाए। इनकी इस पारी में 4 चौके शामिल थे। क्रीज पर अक्षर पटेल मौजूद थे। हर किसी को लग रहा था कि अक्षर पटेल इस स्कोर को और आगे ले जाएंगे। हालांकि 2 ओवर बाद अक्षर पटेल भी आउट हो गए। टॉड मर्फी ने उनको 74 रन पर अपना शिकार बनाया। इसके बाद बस औपचारिकताएं बची थी। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी कुल 9 गेंदें खेल पाए और 2 रन बना पाए। इसके साथ ही भारत का स्कोर पहली पारी के बाद 262 रन रहा। भारत की पारी के दौरान अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। नेथन लायन ने 29 ओवरों में 67 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उसके बाद कुन्ना नॉर्ड मर्फी को 2-2 विकेट मिले, वहीं कप्तान पैट कमिंस को 1 विकेट मिला।